मेरे पीछे ये पवन सिंह है, इनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन है, कितने बड़े पावर स्टार हैं। और ये है खेसारी लाल यादव, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार। और इन दोनों के बीच में ये खड़े हैं सलमान खान, और सलमान खान के बगल में खड़ा है एक लड़का। और इन लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये आरोप होता है कि खेसारी लाल यादव इतना अश्लील व्यक्ति है कि इसने भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे बिहार को बदबूदार बना के रख दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा अश्लील पवन सिंह है, जो कि इतना फूहड़ है कि होली का गाना हो या फिर किसी और का गाना हो, ये आज तक चोली ढोड़ी कुदना मुदना से आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि इन दोनों से बड़ा अश्लील ये व्यक्ति है जिसका नाम सलमान खान है। पर अफसोस कि इस बात पर ना ही किसी का ध्यान जाता है और ना ही कभी किसी ने इस बात के लिए इस व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इसके बगल में खड़ा है, इसका नाम है एमसी स्टैन। और एमसी स्टैन वो व्यक्ति है जो इस बार बिग बॉस का विजेता बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिग बॉस का विजेता बन गया तो ये बहुत ज्यादा अश्लील कैसे हो गया। ये इतना अश्लील व्यक्ति है कि ऐसे व्यक्तियों को मंच दिया ही नहीं जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ये बंदा अपने शो बिग बॉस में बुलाता है। और जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव जितना फूहड़ गाना गाते हैं उससे 20 गुना ज्यादा बंदा ये फूहड़ गाना गाया है। इसके गाने का सबसे फेमस गाने का जो फर्स्ट लाइन है वो है, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो और तू अब इतना गंदा है कि मैं बोल ही नहीं सकता। सीधे समझिए कि इसने आपके गुप्तांग का नाम रख के कहा है कि तू उसका बाल है। अब समझिए इतने फूहड़ व्यक्ति को जो अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ जाता है, जिससे ज्यादा अश्लील कुछ हो नहीं सकता, उस व्यक्ति को सलमान खान मंच पर जगह देता है, बिग बॉस में बुलाता है और बुलाने के बाद उसे विजेता बना देता है। अब आप बताइए ज्यादा अश्लील पावर स्टार महाराज हैं या ज्यादा अश्लील ये खेसारी लाल यादव हैं? जाहिर सी बात है कि इन दोनों से ज्यादा अश्लील ये है और सबसे ज्यादा अश्लील ये सलमान खान है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देना, मंच देना, ये अश्लीलता की एक पराकाष्ठा पार कर देना होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब इस चीज को समझिए कि अश्लीलता की ये पराकाष्ठा क्यों है। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की औकात ही नहीं है कि इसके इतना फुहड़ ये लोग गा दें। औकात नहीं है। बिहार की जनता चप्पल और जूता से मार के लोगों को मंच पर से भगा देगी, लेकिन यहां पर सलमान खान ने इस व्यक्ति को मंच दिया है, एमसी स्टैन। और इसके गाने पे 7-8 करोड़ व्यूज है। और पता है इतना फूहड़ होने के बाद भी इसके मुंह के आगे 1000 माइक रखा गया था इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए। और आपके गुप्तांग का बाल वो गाना गा के, इस ये जो चश्मा पहना है इसके चश्मे का दाम 1 लाख है, यहां पे इसका जूता दिख नहीं रहा है। इसने इस शो में कई बार बताया कि मैं 50 लाख का जूता पहनता हूं। और यहां पर इसने एक लॉकेट लटकाया है जो आपको बहुत कम दिख रहा होगा, उस लॉकेट का दाम है 1 करोड़। ये बंदा जितना कमा चुका है उतना खेसारी लाल यादव फूहड़ गाना गा के, अगर 50 वो इनकी एक दो पीढ़ी अगर उतनी फूहड़ गाना गाए, पवन सिंह की 4 पीढ़ियां गाएं, तो भी इस बंदे की इतना ये लोग कमाई नहीं कर सकते हैं। और सलमान खान ऐसे व्यक्ति को मंच देते हैं। अब बात समझिए कि फिर भी बिहार ही क्यों बदनाम है। उसके पीछे का कारण यह है कि इस व्यक्ति का गाना कभी सरस्वती पूजा के पंडाल में नहीं बजा, इस व्यक्ति का गाना कभी भी उस जगह पे नहीं बजा, ना पब्लिक प्लेस में बजा, ना ट्रक वालों ने बजाया, ना ट्रैक्टर वालों ने बजाया। लेकिन पवन सिंह का गाना और खेसारी लाल यादव का गाना हर ट्रैक्टर में बजता है, ट्रक पे बजता है, सरस्वती पूजा में बजता है, दुर्गा पूजा के पंडाल में बजता है, हर जगह बजता है। और यही रीजन है कि इन लोगों का विरोध भी होता है, क्योंकि जब आपका गाना हर जगह बजाया जा रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम बेहतर गाएं, क्योंकि लोग आपको पॉर्न स्टार नहीं समझते हैं कि आपका गाना कान में ईयरफोन लगा के सुनेंगे। आप लोगों को महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में बुलाया जाता है और वहां पे ये लोग चढ़ के, अभी नेपाल में एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में खुले मंच पे महाशिवरात्रि के दिन वो प्रोग्राम था, ये पवन सिंह खड़ा होके जितना अश्लील गाना हो सकता है उतना अश्लील गाना ये गाया और सभी लोग सुने,
तो बताइए बिहार बदनाम होगा कि नहीं। लेकिन जब ऐसे लोगों का प्रोग्राम होता है भारत के किसी भी कोने में, तो बंद हॉल में होता है। वहां पर पहले टिकट कटाना पड़ता है और टिकट कटाने के बाद लोग पहले ही समझ के जाते हैं कि एमसी स्टैन का मतलब आपको एंड का बाल सुनना ही सुनना है। तो वो लोग पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं, इसलिए एमसी स्टैन का विरोध उतना मैं नहीं करूंगा जितना इन दोनों व्यक्तियों का कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेवारी है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और ये पब्लिक फिगर से प्राइवेट व्यक्ति ये ज्यादा है, ये सनी लियोनी है, ये समझ लीजिए। लेकिन ये बेहद दुख की बात है कि सलमान खान जैसा व्यक्ति, जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबके लिए एक आइडियल व्यक्ति है, अगर आपको कहा जाए कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा किसने किसकी फिल्में कमाई की हैं, किसकी सुपरहिट रही हैं, तो सलमान खान का नाम आपके जिहन में आएगा ही आएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर एमसी स्टैन को प्रमोट करे तो क्या कहा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये मैं कुछ ना ही बोलूं इन दोनों के बारे में तो ठीक है, बाकी ये एक नया व्यक्ति है जो बिहार के लोगों के सामने उभर के सामने आया, जिसका नाम एमसी स्टैन है, और इसको प्रमोट किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान ने खुद किया। कहने का मतलब ये है कि बिहार के लोग अगर फूहड़ गाने को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर में बजाना बंद कर दें, ऑटो में बजाना बंद कर दें, पब्लिक प्लेस पे बजाना बंद कर दें, दुर्गा पूजा के पंडाल में बजाना बंद कर दें, सरस्वती पूजा के पंडाल में बजाना बंद कर दें उस तरह का फूहड़ गाना, तो बिहार अश्लीलता के लिए नहीं जाना जाएगा। खेसारी यादव के फूहड़ गाने रोकने से पहले, पवन सिंह के फूहड़ गाने रोकने से पहले जरूरी है कि जो लोग फूहड़ गाना ओपनली बजा रहे हैं उसे रोका जाए और प्रशासन को उस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर प्रशासन पवन सिंह के फूहड़ गाने या खेसारी यादव के फूहड़ गाने पे कार्रवाई करना चाहती है तो उससे पहले ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई किया जाए जो खुलेआम कहता है कि मैं हस्ती का बस्ती ब्रो और तू, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो खुलेआम सनी लियोनी को इतने बड़े मंच पे ये व्यक्ति बुलाता है और उसको प्रमोट करता है, उसका महिमा मंडन करता है, तो सबसे पहले कार्रवाई अगर पुलिस को इस बात के लिए करनी है कि ये फूहड़ गा रहा है तो इस पे कीजिए, क्योंकि इन दोनों के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मामला समझ में आया होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं और बिहार किस तरह से अश्लीलता से कम एक कदम के लिए बच सकता है, ये बात आपको समझ में आई होगी।